मिनी फिश टाकोस ये एक मैक्सिकन डिश है और कल परसों भी मैंने मैक्सिकन खाने बनाए थे, बहुत मजे के। इसमें हमने मिनी टाकोस लिखे हुए, तो मिनी टाकोस मिले नहीं, ये लोकल हैं। एक इम्पोर्टेड मिलते हैं, महंगे भी हैं, आप ये लोकल मिलते हैं, चपातियाँ हैं, टॉर्टिला का इसका हमने नाम लिखा हुआ है। डीप फ्राइंग का जो तरीका है ये बेहतरीन इसका, हम इसको इस तरह फ्राई करेंगे। देखें, दो चिमटे लिए और ये ऑयल लिया हुआ है और इसको हमने फ्राई ऐसे करना है कि इसकी शेप हमने मेंटेन करनी है। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है ताकि इसकी शेप बन जाए, और दो रोटियों को एक साथ चिपकाया है और जैसी हल्की सी कड़क हो गई बस, ये इतना कलर इसका काफ़ी है और कड़क भी हो गई बस, और ये शेप भी बन गया। आपने सिंपली इसको निकाला रोटी को, थोड़ा सा ऑयल इसका निकलने दिया और इसके बाद इसको हमने ये रख दिया, बस इसकी ये शेप चाहिए। मैदा है अल्लाह भला करे आपका 2 कप, साथ में इसमें आ गया खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा शामिल ना कीजिएगा, इसका कलर ग्रे हो जाएगा। बेकिंग पाउडर आ गया, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक आ गया और 1 चाय का चम्मच इसमें ओरिगानो आ गया, ये इसके बैटर में आ रहा है। इसको पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स किया अच्छी तरीके से और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी और इसको फेंटेंगे, और ये बैटर थोड़ा सा थिक रखेंगे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। सिंपली इसको मिक्स करना है बस, ये मिक्स करेंगे, मछली इसमें डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे, कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट। और इसको भी चूँकि डीप फ्राई कर रहे हैं तो आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल जिसको कहते हैं वो ज़रूर रखना है ताकि इस मछली का इजाफी तेल निकल जाए इसमें से डीप फ्राइंग में। अच्छा, इसी मछली को आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट कि आप इसको डीप फ्राई करें। ये पहले मिक्स बना लिया, खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। पानी का इस्तेमाल इसमें आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, बहुत सारा पानी एकदम शामिल ना कर दें, नहीं तो बैटर बहुत पतला हो जाता है। अब आ गई मछली, ये आ गया 1/2 किलो मछली, कोई सी ले लें बस बोनलेस हो, कांटे ना हो उसमें। इसको पहले मिक्स किया खूब अच्छी तरीके से, अभी देखें गाढ़ापन इसका बैटर ऐसा है कि मछली को कोट अच्छी तरीके से कर रहा है। इसको मिलाया इसमें और इसके बाद एक एक पीस को ऑयल में डालते जाएंगे और बस। ओह, ऑयल बहुत ठंडा है, चलें एक एक करके इसमें शामिल करते गए। ऑयल का दर्जा थोड़ा कम था, मैंने चूल्हा फौरन तेज ऑन कर दिया। फिश यहाँ पे फ्राई हो गई एक फेरा, और अब दूसरा फेरा जहन में रखिएगा, बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, और बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, खाने का सोडा नहीं। खाने का सोडा शामिल किया तो सारे ग्रे कलर के हो जाएंगे और इसका जायका भी बहुत बुरा हो जाता है। सबसे पहला काम है, जब तक इसको मछली फ्राई कर रहा हूँ, हम क्विकली आ जाते हैं। इसके साथ इसका डिपिंग सॉस है मेयोनीज, ये इसका डिपिंग सॉस है। कुछ लोग इसके टाको के अंदर भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं समझता, इसके साथ इसको डिपिंग के तौर पर रखा जाए तो बेहतर है। सिराचा सॉस माय मोस्ट फेवरेट, और साथ में आ गया लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। बस ये सारी चीज़ें हमने विस्क करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आ जाऊँ, ज़रा मछली को एक दो थोड़ा ज़रा घुमा फिरा लें। बस चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया, इसको सिंपल हमने मिक्स करना है। मेयोनीज़, चिली सॉस कोई सा इस्तेमाल कर लें, सिराचा है तो बहुत बेहतर, और लेमन जूस, इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। ये हमारा डिपिंग सॉस तैयार हो गया, इसको हमने असेंबल करना है। असेंबलिंग क्या है बेसिकली, ये एक टाको लिया, इसके अंदर हमने ये 2 सलाद रखने हैं जिसमें ये कैबेज है, कैरेट है, पिकल्स हैं, फ़िश रखी जाएगी, चेडर मोजरेला चीज़ ऊपर से डालेंगे और ओवन में बेक होगा फॉर जस्ट 5 मिनट्स, सिर्फ इसकी पनीर को मेल्ट करने के लिए बस। तो हमारे ये टाकोस हो जाएंगे रेडी। मिनी टाकोस लिखा हुआ था, रोटी हमारे पे बड़ी आ गई, तो अब ये मिनी नहीं मेजर टाकोस बनेंगे बड़े साइज़ के। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ, यह आ गया इसमें बंद गोभी और गाजर। अच्छा, इसको बहुत ना भरिएगा, इसका पेट में इतनी जगह नहीं है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए ये मिक्स पिकल जो हमने बनाए थे। उसके बाद आ गए इसमें ये फिश, इसके पीसेस रखे, और एक इस साइज़ के टाको में 4 पीस बेहतरीन आ रहे हैं। साथ में हमने इसके ऊपर डाल दी मोज़रेला और चेडर चीज़ बस, और इसको हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया, दैट्स इट। ये जाएगा ओवन में सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक होगा और ये निकल के आ जाएगा। सो हमने आपको फिलिंग का तरीका बता दिया, और इसको हमने एक दूसरे की सपोर्ट में इस तरह रखना है ताकि गिरे नहीं और इसकी फिलिंग भी ना गिरे। ऊपर की हीट हमने ऑन की हुई है, 200 रखा हुआ है, मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसका दर्जा हरारत बढ़ा दूंगा। ये आप भी कर सकते हैं, जल्दी में हो आप तो जिस तरह मुझे, मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के 250 कर दूंगा। बस टाकोस रेडी हो गए, और टाकोस को बहुत ही कोई जैगेंटिक किस्म के हैं ये, तो मेरे हिसाब से कोई 100 से 300 में काटने वाला है, बहुत मज़े के लग रहे हैं। चीज़ मेल्ट करनी है, जहन में रखिएगा, अंदर कुछ नहीं पकाना, मछली पकी हुई है, सब्जियों को पकाना नहीं है, क्रंची रहनी चाहिए, पिकल इसमें तैयार है, सिर्फ पनीर मेल्ट करनी थी, पनीर ऊपर से हमने भर दी, साथ में इसका आ गया डिपिंग सॉस। मिनी फिश टाकोस अर्ज़ा
छोटे टॉर्टिला इम्पोर्टेड 6 अदद, फिश बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, तेल तलने के लिए, चिली मेयो के लिए, मेयोनीज 1 कप, सिराशा सॉस 4 खाने के चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, बैटर के लिए मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच, ओरिगानो 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, फिलिंग के लिए बंद गोभी श्रेडेड 1 कप, गाजर श्रेडेड 1 कप, चेडर चीज श्रेडेड 1 कप, मोजरेला चीज श्रेडेड 1 कप, मिक्स विनीगर पिकल्स 1 कप।